यहाँ इस टाइम जिस टाइम में मैं आता था तो पूरे पानी से आना पड़ता था, आपको याद है ना। देखिए, किसी का धर्म कौन सा है, जात कौन सी है, भाषा कौन सी है, वर्ण कौन सा है, वर्ग कौन सा है, इस पर उसकी कीमत नहीं करनी चाहिए। वो कौन से रास्ते पे चल रहा है और वो रास्ते से लोगों को कितना उजाला दे रहा है, उस पर उसकी कीमत करनी चाहिए। अभी जो प्रभाग 6 इधर जो अपन जो यानी मूर्त किया वो उसकी कीमत है 4,61,00,000 और 12 महीना बारिश छोड़ के 12 महीने में पूरा होने वाला है। बारिश के 3 महीना तो मतलब इसका मतलब 15 महीना में होने वाला है। यादव नगर परिसर में देवीधाम नगर के लिए रास्ता बनाना पक्का है, उसके लिए 25,00,000 पहले मैंने पत्र दिया है और आज के तारीख में और 25,00,000 रुपए वो रास्ते के लिए और दे रहा हूं मैं। पहले 25,00,000 को तो कलेक्टर ने भेजा पत्र, आयुक्त ने उसको मंजूरी दी है और ये जो भी अपना काम है ये भी पूरा मंजूर हुआ। देखिए कि सुधाकर सोनानी जी बताया कि गणेश नाइक लोगों के दिमाग में अपना बड़ा भाई के तौर पे है। न गणेश नाइक ने कभी किसी धर्म के लोगों को धमकाया, न किसी भाषा के लोगों को धमकाया, न किसी जात के लोगों को धमकाया, न कोई प्रदेश के लोगों को हम लोगों ने धमकाया। अभी तो 27 साल हो गए क्योंकि 2020 को जयवन सुतार की जो कार्यकाल था वो खत्म हुआ। 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 और 2020 तक का जो महापौर था गणेश नाइक के प्यार के खातिर लोगों ने वो ताकत दी, प्यार के खातिर। हमारे पास पैसे की ताकत नहीं है, गुंडों की फौज नहीं है, न आज की तारीख में कोई सरकार भी हमारे पास में नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूं एक बार जुबान दिया तो पक्का काले पत्थर पे सफेद लाइन। 2000 साल में मैंने बताया था कि घरपट्टी पानीपट्टी नहीं बढ़ेगी, उस टाइम में बढ़ गई घरपट्टी पानीपट्टी नहीं। अभी आपको तो अभी 500 स्क्वायर फुट का जो अपनी घर होगा उसका घरपट्टी ही नहीं भरने का। आने वाले ये आयुक्त को मैंने बोला है, कैफो को बोला है कि अभी बिल में भेजो, 500 स्क्वायर फुट के जिनके घर हैं वो लोगों को बिल भेजने का नहीं, वो मुफ्त में बिना टैक्स के उधर रहे हैं। और मैंने ये बोला है असेंबली, अभी आप असेंबली चालू है, कल भी विधान भवन में जाने वाला हूं मैं, मैंने बोला है कि 2020 तक पूरा होगा कालखंड। अभी मैं बोल रहा हूँ और 20 साल तक पानीपट्टी का भी बिल नहीं बढ़ेगा, घरपट्टी तो 500 मीटर के 500 फुट का माफी हो गया। और दूसरी बात, मैंने विधान भवन में अपने अर्थमंत्री उप मुख्यमंत्री जो अजीत दादा पवार है उनको बोला कि अभी धोरण बदली करो, हर स्कूल में मराठी पक्की रखो, वो महापालिका हो या प्राइवेट स्कूल हो, हिंदी राष्ट्रभाषा कोई माने ना माने, हम लोग तो बोलते हिंदी भाषा है। और उसके बाद में दुनिया में ज्ञान पाने की या दुनिया में व्यापार करने की भाषा है इंग्लिश। अपन लोगों ने शुरू किया है इंग्लिश माध्यम की शाला सिवड़ में शुरू हो गई, हमारे बालाजी के गार्डन के बाजू में होगी, सुधाकर ऐरोली में होगी और कोपर कर रहा। मैं ये बोल रहा हूं कि हर नोड में, हर सेक्टर में, हर वार्ड में अंग्रेजी माध्यम की शाला हो जाएगी, गरीब के लोगों के लिए पैसा भर के एजुकेशन लेने की जरूरत नहीं। ये मेरा वादा है और जो मैं वादा करता हूं उसको निभाता हूं। सुधाकर ने जो बोला
कि भाई कोई कागज लेके आए तो सिग्नेचर मत करो। अभी चेतावनी मिलती है ना कि तुम्हारा आधार कार्ड मत दो, बोलते क्या ना, तो आधार कार्ड पैन कार्ड दिया जाएगा तुम्हारा अकाउंट से पैसा हैक किया जाएगा। मैं बोल रहा हूं अभी विधान भवन में मैंने जब भाषण किया तो मैंने बोला कि हमें गांव के लोगों के लिए तो खुद के मालकी का घर चाहिए, लेकिन सिडकों से जिन्होंने घर लिया है वो लोगों को भी खुद के मालकी का लीजिंग का मामला खत्म करो, सिडकों को यहां से हटाओ अभी। और जो झोपड़ी में रहने वाले हैं उनको भी खुद के जो मकान बनेगा वो लीज का नहीं भाड़े का नहीं खुद के मालकी का बनना चाहिए। नई मुंबई में बहुत ऐसे टिटर लुटर लोग रिडेवलपमेंट का मसला लेके आगे आगे बढ़ रहे हैं, समझते ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तुम लोग को इतना देंगे उतना देंगे, मैंने वो मंत्री को बोल दिया ये हमें चिटर लुटर डेवलपर नहीं चाहिए, हमें शासन के माध्यम से मकान मिलना चाहिए और शासन से माध्यम से मिलेगा। और उन्हें मंत्री ने जो उनको क्या बोलते माड़ा के जो मंत्री ने बोला है कि हम लोग शासन के ओर से बिल्डिंगें बनाएंगे और वहां पे लोगों को मकान दे देंगे। तो अभी जो सपने देख रहे थे मुंगेरी लाल के उनसे कि भाई ये इतना एरिया है इतना इतना बनेगा हमारे लिए इतना तुम्हारे लिए इतना, तो क्या किए। मैं वो तथाकथित जो सोशल वर्कर राजनेता है उनको प्यार भरे मैसेज दे रहा हूं कि आप लोग जो रास्ते से जा रहे हो रास्ता आखिरी में मन शांति देने वाला रास्ता नहीं है। पैसा रहेगा बंगला बनेगा गाड़ी बहू बेटी के बदन पे गहने रहेंगे, लेकिन जब तुम मरने के टाइम में जब तुम्हारी जो आखिरी पल होगी ना उस टाइम में पूर्व कालखंड में किए पाप की यादें तुम्हें आएगी और वो पाप ही तुम्हें सताने लगेगा। वो जी हॉरर शो देखते ना जी हॉरर जिमे हॉरर शो देखा कि नहीं आप लोगों ने, उसमें जो पाप करता है उसको वही ढंग से वो आत्मा जिसको मारा जिसको लूटा जिसको आत्महत्या करने पर मजबूर किया वो लोगों का आत्मा उनको भय दिखाते डराता है। अरे हम लोग बोलते कि रात को 12 बजे भी हम लोग अकेले गाड़ी निकाल के 100-200 किलोमीटर जाते हैं, हमें बॉडी गार्ड बॉडी गार्ड की कोई जरूरत नहीं पड़ती। और सब लोगों को मालूम है न हमें भय है मरने का न भूत का खेत का गुंडों का हुंडों का, क्योंकि हम दिन रात भी लोगों के मन को शांति मिले। जो मैंने जो बोला कि गरीब लोगों के लिए बच्चों को फ्री शिक्षण मिले, इसमें मेरा इरादा ही है कि भाई समानता होनी चाहिए। जैसे सुधाकर सोनाने ने जो बताया अभी इधर कि सुधाकर सोनाने जब दलित पैंथर में थे सुधाकर सोनाने मेरे साथ काम कर रहा था, लेकिन दलित पैंथर का जो चक्र का उद्घाटन करने के लिए मुझे लेके गया था। ये बात सच है क्योंकि मैं हिंदू मुसलमान बौद्ध क्रिश्चियन जैन सिख साउथ के हो नॉर्थ के हो गरीब हो अमीर हो हमें अमीर से कोई लेना नहीं, गरीब को देना देना है तो प्यार ही देना है और प्यार देते रहेंगे उसमें कोई शक नहीं है। मैंने सभी साथी लोगों को बोला कि किसी का नाम मत ले लो किसी पार्टी का नाम मत लो क्योंकि वो लोगों की जीवन की मतलब विचारधारा की समाप्ति होने वाली है। उनका जीवन 100 साल 200 साल का रहे हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन ये भी बोलता हूं कि गणेश नायक को गुंडों लोगों का बंदोबस्त करने के लिए चाकू श्री तलवार रिवाल्वर बंदूक की जरूरत नहीं। अपने मन में चाहूंगा तो उस जो दुर्भाग्य काम करने वाले लोगों के रास्ते लग जाते हैं। आज तक जिन्होंने गणेश नायक के मन को दुख दिया है वो लोगों के चेहरे की रौनक खत्म। नायक साहब आगे बढ़ो, ये मैं इसको शाप नहीं दे रहा हूं, मैं मेरे मन का भाव बोल रहा हूं क्योंकि बात ऐसी कि जैसे मुझे जीने का अधिकार है तो गरीब को भी अधिकार है। गलती से भिखारी को पैर लग गया तो उसकी माफी मांगो, बच्चे को कभी बच्चों को भी धक्का लग गया बच्चे से अपना कोई गलत कोई सलूक हो गया तो उससे माफी मांगो। इससे माफी मांगने से आदमी छोटा नहीं होता, माफी मांगने से आदमी बड़ा होता है। और जो कर्म बुरे किए हैं उसकी एक बार याद करो, और यदि तुमको लगता है कि मेरे हाथ से पाप हुआ है तो
तो गंगा में जाके स्नान करने से पाप धोने वाला नहीं है, उसके लिए मन को साफ करना पड़ेगा। मन को साफ करो और आगे आगे चल के 100 साल जियो, तुम्हारे बाल बच्चों का भला हो जाए, तुम्हारा भला हो जाए, लेकिन जब तक तुम तुम्हारे मन को नहीं धोते तब तक तुम्हें मरने का डर रहेगा। जैसे कोई चलते हैं उधर जो कोई पत्थर कोई पेड़ का ढाली गिर गया तो डरता है कि भाई कोई कोई अटैक कर रहा है, क्यों? मन पापी है, समझते हो? जिसको जिसको मेरा एक जो मैसेज जिसको देना है ना दे दो। अभी आज हो गई यादव नगर में येल्लो से के चिंतपाड़ा में भी जाएगी, उसमें कोई शक नहीं, दीघा में भी हो जाएगी। एक भाई को कि तुम प्लानिंग करो तो मैं आते रहूंगा। और दूसरी बात ऐसी, जब तक जनता का प्यार हमारे साथ में तब तक हमें किसकी परवाह नहीं है। बात ऐसी कि जनता का प्यार ही शक्ति बनी है। 25 साल गणेश नाइक के हाथ से ये नई मुंबई एक शहर का कारोबार हुआ, क्योंकि गणेश नाइक की ताकत नहीं है, पैसे के बलबूते पे नहीं, गुंडागर्दी के बलबूते पे नहीं है, कुर्सी के बलबूते पे नहीं। तो इस थाना जिला में सबसे लॉन्गेस्ट पालक मंत्री में ही था, 15 साल था। लेकिन कोई हरिका लाल तो चाय तो छोड़ दो, इससे हमने पानी भी नहीं मांगा। यही ताकत है हमारी और ये ताकत बढ़ती जाएगी। ये जो कार्यकर्ता आए हैं, मैं बोल रहा हूं कि जो तुम लोग चुन के आओगे बड़े बनोगे, वो तुम्हारा परिवार संवारने के लिए तुम परिवार संवारते रहो, लेकिन जो ताकत मिलेगी वो जनता की सेवा करने के लिए वापरो। गणेश नाइक हमें तुम्हारे साथ, मैं यही बोलूंगा कि मैं आते आते सुधाकर को और सूरजपाल को भी और वीरेंद्र सिंह को बोला कि आपने किसका नाम लेने नहीं, इंसान का लो ना उसको पार्टी का लो, उनके कर्म से वो लोग जहां जाना है जाएंगे। और अहंकार की बात करेंगे तो रावण बनेगा, अहंकार करते है उसका रावण होता है, दुर्योधन दुशासन होता है। हमें रावण भी बनना है, दुशासन भी बनना है, हमें सर्वसामान्य कार्यकर्ता रहना है। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।